IUI ट्रीटमेंट क्या होता है? IUI इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज करने वाली एक प्रक्रिया है। इसे हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। IUI प्रक्रिया में शुक्राणु यानी स्पर्म को महिला के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया ओव्यूलेशन के समय की जाती है। इस वीडियो में आगे जानिए IUI ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, IUI उपचार में सफलता की संभावना कितनी होती है, IUI में कितना खर्च आता है, IUI इलाज करवाने से पहले कौन सी जांचें जरूरी होती है, IUI उपचार के लिए मरीज को कितनी बार अस्पताल जाना पड़ता है। सबसे पहले जानिए IUI ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। IUI ट्रीटमेंट लेने वाली महिला को निसंतानता विशेषज्ञ द्वारा महावारी या पीरियड्स के दौरान दूसरे या तीसरे दिन से कुछ दवाइयां शुरू करने की सलाह दी जाती है। IUI इलाज के सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए कई बार मरीज को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। महावारी होने के 11वें दिन से सोनोग्राफी के माध्यम से ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकल स्टडी की जाती है। इससे पता लगाया जाता है कि ओवरीज में अंडे बन रहे हैं या नहीं। सोनोग्राफी तब तक होती है जब तक ओव्यूलेशन यानी अंडाशय में से अंडे निकलने की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इसके बाद अंडाशय में अंडे के उपयुक्त साइज के हो जाने पर एक HCG इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन लगने के 24 से 34 घंटे के अंदर IUI प्रक्रिया की जाती है। IUI उपचार में सफलता की संभावना कितनी होती है? प्रत्येक IUI उपचार में सफलता की संभावना 10-12% होती है। IUI प्रक्रिया में कितना खर्च आता है? सामान्यतः IUI प्रक्रिया में लगने वाला खर्च लगभग 6,000 से 7,000 रुपए तक होता है और इंजेक्शन की जरूरत पड़ने पर 1,000 से 2,000 रुपए का खर्च अधिक हो सकता है। IUI इलाज करवाने से पहले कौन सी जांचें करवानी जरूरी होती है? IUI इलाज करवाने से पहले महिलाओं के लिए खून की जांच और ट्यूब की जांच, जो HLZ या लेप्रोस्कोपी द्वारा की जाती है, ये दोनों ही जांचें जरूरी होती है। पुरुष के लिए IUI इलाज करवाने से पहले शुक्राणु की जांच यानी सीमेन एनालिसिस करवाना जरूरी होता है। IUI उपचार के लिए मरीज को कितनी बार अस्पताल जाने की जरूरत होती है? इस उपचार के लिए मरीज को ध्यान रहे कि महावारी या पीरियड्स के दौरान दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होने वाली दवाइयां आप स्वयं घर पर ले सकते हैं। यदि इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो अपने घर के आसपास किसी क्लिनिक पर इंजेक्शन लगवा सकते हैं या कोई नर्स द्वारा घर पर भी लगवा सकते हैं। उपचार के दौरान होने वाली सोनोग्राफी अपने घर के आसपास किसी भी सोनोग्राफी सेंटर पर आप करवा सकते हैं। मरीज को IUI इलाज के लिए सिर्फ एक ही बार अस्पताल आने की जरूरत होती है। जानिए किन कारणों की वजह से IUI डोनर स्पर्म के द्वारा किया जाता है और उसमें कितना खर्च आता है, हमारे अगले वीडियो में। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इंदौर इनफर्टिलिटी क्लिनिक के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर से लीजिए निशुल्क परामर्श 9111111 पर।